होगा। मिर्जापुर किसान गोष्ठी का मैं आयोजन किया गया। मिर्जापुर आज दिनांक 21/1/2021 को मिर्जापुर के कौन ब्लॉक स्थित ब्लॉक मुख्यालय पर किसान गोष्ठी का आयोजन भू संरक्षण अधिकारी के द्वारा किसान कल्याण मिशन के तहत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा रहे। कार्यक्रम का संचालन BLAJ इंटर कॉलेज के प्राचार्य ने किया। कार्यक्रम में दीप जलाकर शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में किसानों को इकट्ठा करके सरकार द्वारा चलाई गई योजना के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ADO पंचायत भू संरक्षक अधिकारी शिव नारायण तिवारी, चंद्रासु गोयल एवं ब्लॉक के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। आमदनी दुना किया जाए, उसी के तहत लोगों को बताने के लिए यहाँ इकट्ठा किया गया है कि कैसे आप खेती करिए, कैसे सरकार का क्या क्या लाभ है, सब्सिडी है, उसको हर तरीके से लीजिए। आप देखिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की वजह से जैसे चंदौली में 300 एकड़ का काला धान बोया जा रहा है, जो कि काला धान जो है 60 रुपये किलो है और इसे सरकारी रेट है करीब 20 रुपये के आसपास, और उसका चावल है 300 रुपये किलो। अभी तक तो भूटान में और त्रिपुरा में पैदा होता था, लेकिन छोटा समूह बनाकर जो किया गया है उसके तहत पैदा किए और वो टोटल ऑस्ट्रेलिया और कतर में वो बिक गया। उसका इतना तेजी है। ये कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जा रहा है? पूरे जनपद में क्या, पूरे प्रदेश में ये चल रहा है कार्यक्रम, लोगों की जागृति, क्योंकि आमदनी कैसे बढ़ेगा। बागवानी भी करिए, खेत के ओरे ओरे जैसे करौंदा का ये सब पेड़ लगाइए, उसके जरिए तालाब बनवाइए, फूल लगाइए, जिसके द्वारा इन लोगों को जागृत किया जा रहा है।